वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट इंडिया। और आज की वीडियो की हमारी ये टॉपिक है कि कैसे हम 9 वोल्ट्स बैटरी को चार्ज करें। तो आज मैं आपको तीन टिप्स दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप 9 वोल्ट्स बैटरी को चार्ज कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर है तीन 9 वोल्ट्स के बैटरी, जिसमें से कि ये बैटरी चार्ज है और ये दोनों अनचार्ज है। ठीक है, तो तीन तरीके दिखाने वाले कि कैसे ये दोनों बैटरीज को हम चार्ज करने वाले हैं, जो कि ख़राब बैटरीज है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब हम एक ग्लास लेते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं और सॉल्ट डालते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास करते हैं, तो पानी की कंडक्टिविटी सॉल्ट की वजह से बढ़ जाती है। तो जनरली होता क्या है कि अगर हम उसके अंदर एक बैटरी को डालते हैं, चार्ज्ड बैटरी को अगर डालते हैं उस पानी के अंदर, तो जितनी भी चार्ज उसकी रहती है सारी चल जाती है। बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी पानी में होने के कारण बैटरी के जितना भी चार्ज होता है वो सारा का सारा न्यूट्रल हो जाता है, सारा ख़त्म होता है। लेकिन वही अगर हम एक डिस्चार्ज बैटरी लें और सॉल्ट वाटर में डालें और उसके बाद उसको कुछ देर धूप में रख दें, तो बैटरी चार्ज हो जाती है। चलो ये एक्सपेरिमेंट अभी हम ट्राई करके देखते हैं। चलो मैं तुम लोगों को अभी दिखा देता हूँ। एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का होगा कि हम यहाँ पर एक ग्लास ले लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर कुछ अमाउंट में पानी डाल देंगे, एक लिमिट के हिसाब से कि आप कौन सी साइज़ की ग्लास ले रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम यहाँ पानी डाल देंगे, इतना पानी काफ़ी रहेगा। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट काम ये करना है कि हम इसमें सॉल्ट डालें। ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पानी को हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करने वाले हैं। इतना सॉल्ट, थोड़ा बहुत ही सॉल्ट काफ़ी है। तो सॉल्ट हमने इसके अंदर डाल दिया, अब हमें इसको मिक्स करनी है अच्छी तरीके से। तो पान इसके अंदर तो हमने डाल दिया सॉल्ट, अब चलो इसको स्टिर कर देते हैं अच्छी तरीके से। तो गाइज, यहाँ पर स्टिर हो चुकी है। अब हमें क्या करनी है कि जो हमारे पास डिस्चार्ज 9 वोल्ट की बैटरी है उसको हम इसके अंदर डाल देंगे, जो सोल्यूशन अभी अभी हमने बनाया उसको इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो अपने अनचार्ज, आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप बैटरी लोगे वो चार्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज बैटरी होगी तो उसका सारा चार्ज चला जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको सोल्यूशन के अंदर डाल दिया जाए। तो हमने सोल्यूशन में डाल दिया, लेकिन अभी काम यही ख़त्म नहीं हुआ। हमको इसको नॉर्मल सोल्यूशन में नहीं, धूप वाले सोल्यूशन में डालनी है। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो वहाँ पर धूप है, तो मैं इसे यहाँ धूप वाले जगह पर रख दूंगा। इससे क्या होगा कि ये चार्ज हो जाएगा कुछ घंटों के अंदर। तो ये था गाइस हमारा पहला स्टेप। ठीक है, तो अब चलो चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर, देखते हैं कि क्या होता है जब हम दूसरे स्टेप से चार्ज करते हैं बैटरी। वो तो हो गया पहला स्टेप, अब बारी है हमारे दूसरे स्टेप की। तो जो दूसरा स्टेप है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही जल्दी काम करता है। ठीक है, तो आपको तो इस स्टेप के लिए नॉर्मली एक चाहिए होगी पुरानी 9 वोल्ट बैटरी, जो बैटरी काम नहीं करती है, जिसमें थोड़ा भी चार्ज ना बाकी हो। ठीक है, तो बिना अनचार्ज बैटरी आपको एक चाहिए होगी, तो मेरे पास यहाँ पर एक अनचार्ज बैटरी, इसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस बैटरी को लेंगे और आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चार्जर अडैप्टर की। ठीक है, तो सिंपली करना क्या है कि ये जो हमारे पास चार्जर अडैप्टर है उसके साथ ये जो माउथ की आती है इसकी कोर्ड, इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे। अब बची क्या, ये वायर बची, तो हम इसके एंड से कट कर लेंगे। यहाँ से दो वायर्स निकलेंगी, एक इधर की, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और चाहिए आपको एक बैटरी की जैक होल्डर। ठीक, तो अब हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो इसको सिंपली इसके साथ हमें कनेक्ट कर लेना, उसके बाद का बात बताता हूँ कि इसके बाद क्या करनी है। तो गाइस यहाँ पर हो चुकी है हमारी ये जैक पिन कनेक्ट, और ये हो गया हमारा चार्जर यहाँ पर। ठीक है, जैक पिन भी कनेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस बैटरी जो है, अनचार्ज बैटरी जो है, उसको हम इस जैक पिन के साथ वापस जोड़ देंगे, और इसको जोड़ने के बाद हम इसको बिजली के साथ जोड़ देंगे। बस 40 मिनट के अंदर ये इतनी चार्ज हो जाएगी कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा देर नहीं करनी, तो ये गर्म हो जाती है। तो 40 मिनट आप इसको छोड़ दोगे तो ये अच्छे से चार्ज हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा स्टेप। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी स्टेप के पास। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप हो गया, चलो तीसरे स्टेप के पास। दूसरा स्टेप तो आप लोगों ने देख लिया, तो अब है तीसरे स्टेप की बारी। तो तीसरा स्टेप कुछ खास इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करना चाहिए, ये कुछ अच्छा काम करता है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक चार्ज बैटरी और एक नॉन चार्ज बैटरी। तो यहाँ पर हमारे पास है एक चार्ज बैटरी है, एक नॉन चार्ज बैटरी है।
तो अगर आप लोग चाहो तो ये ट्रिक भी कर सकते हो, ये भी ट्रिक इफेक्टिव है, लेकिन नंबर टू वाली ट्रिक ज़्यादा इफेक्टिव है और नंबर वन वाली भी ट्रिक ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये चार्ज बैटरी है मेरे पास और ये अनचार्ज, तो ये जैसा कि देख सकते हो इसके इसके माउथ के जो जैक्स हैं, जैक्स पिन के साथ जोड़ देंगे ऐसे, और उसके बाद इसको हम ऐसे टच करा कर रखेंगे, इस तरह से टच करा कर रखेंगे। इससे क्या होगा कि जिस बैटरी में चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज नहीं है और इसमें चार्ज है, तो चार्ज इस बैटरी से शिफ्ट होकर इस बैटरी के अंदर आएगा धीरे धीरे, लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होने वाला है। तो आप लोग इसको चाहो तो इस तरह से ऐसे सटा कर कहीं कोई जगह पर रख सकते हो। तो ऐसे तो अगर आपके पास डिस्चार्ज बैटरी है तो आप पहले दो स्टेप ट्राई करो, अगर आप चाहते हो इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना स्पेशली देखने के लिए, तो आप एक चार्ज बैटरी के साथ इसको ट्राई कर सकते हो। तो गाइस यही थी हमारी 3 स्टेप। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह की न्यू वीडियो आप लोग देख सको। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, और लाइक करना मत भूलना। चलो।